जालौन से बड़ी खबर, दो पक्षों में विवाद के बाद हुई फायरिंग, दोनों पक्षों ने एक दूजे पर की फायरिंग। प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर हुआ विवाद, घटना के बाद मौके पर पहुंचा कई थानों का पुलिस बल। एएसपी ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। कोंच कोतवाली क्षेत्र के तित्रा खलीलपुर गांव का मामला। जालौन से राजकुमार दोहरे की रिपोर्ट। अच्छा, क्या घटना हुई है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, हम इधर गोली की आवाज सुनाई थी हमारे घर, सब लोग बाड़ा बना उधर बैठे थे, तो हम दौड़ के उधर ही जा रहे थे, तो उधर जी सब लोग पहुंच गए, तो उधर से हमारा तो जो बोले चलो इनके गेट टोल रहे चले, और इनके ससुर माई घर पे थे उन्हें मारने के लिए बोले, तो हम उनके पीछे जल्दी चले आए। आगे इन लोगों ने हमें छेड़ लो और बस हमारी, अरे मोबाइल छना लो हमारी, सब चूड़ी उड़ी सब फोड़ डाली और मैं मार दूँ। कौन लोग थे ये? जी वो सब जो पटेल लोग थे। कितने लोग थे? अभी लोग तो आते 15-20 लोग। तो हमने सोचा कि चलो इन लोगों को वीडियो बना ले मैं, तो जो दिखाने के लिए हो जाए, हमारे तो कोई है नहीं है, बस मैंने हमें इन्हें घेर गए, मोबाइल छना ले गए हमें, बस अरे खींचा खचोड़ी करने लगे। अच्छा, फायरिंग का मामला सामने आया, क्या गोली चलने की बात करते हैं? हम तो यहीं घर पे थे, वो लोग उधर थे, तो हमें धमकी सुनाई थी कि गोली चल रही, तो हमने कि हमारे आदमी वहीं बैठे, अभी उस दिन घेर लिया था, से हम दोनों देरा निशानी भाग के गए, तो जी तो चली गई, हम पीछे से लौट के भागे आए। किस बात को लेकर विवाद है आप लोगों? अब कुछ बात नहीं है, वही पहले प्रधानी की वही है कि बई वजह से पहले हमारे जेठ को मारा था, अब इन्हें मारने को फिर रहे। इतने राउंड फायरिंग हुई है। अब हमें पुर में गोली चलने की घटना, क्या घटनाक्रम है और क्या विधिक कार्रवाई की गई है इस द्वारा? ये आज थाना कोच में इस गांव में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पुलिस आई, दो पक्ष जो झगड़ा कर रहे थे उनमें से कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं, कुछ भाग गए थे जिनके पीछे पुलिस लगी है, उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। कठोर वैधानिक कार्रवाई दोनों पक्ष के विरुद्ध की जाएगी और इसमें जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें मुकदमा लिखा जाएगा। बाकी जो गिरफ्तारी में बचे हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे और जो कठोर दंड इनको दिया जा सकता है उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। सर, स्थलीय निरीक्षण किया है, क्या कुछ घटनाक्रम सामने आया है? इनमें इन दोनों पक्ष में रंजिश थी, पुराने प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश चली आ रही थी और आज उस रंजिश ने ये रूप लिया है। अब ऐसी पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी कि आगे ये मामला बिल्कुल शांत रहे। इसके पहले भी सर ये घटनाएं आ चुकी और बाकी इनका जो अपराधी इतिहास वगैरह है वो खंगाला जा रहा है और उसके अनुसार कार्रवाई और भी कठोर होगी अगर पाया जाता है। थैंक यू।